नमस्कार दोस्तों, आई एम रिचा एंड वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट तो समझते ही हैं, निमोनिक टेक्निक्स या मेमोरी टेक्निक्स की मदद से उनको हाथों हाथ याद भी करते चलते हैं। ओके, सो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन लेक्स ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी लेक्स ऑफ इंडिया भारत की झीलों वाले चैप्टर में से अभी तक बहुत सारे सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन से पहले हम लेक्स ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने वो सेशन नहीं देखा हो प्लीज आप वो सेशन देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत से बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं मैम पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होंगी। सो हमारी वेबसाइट है parchamclasses.in, वहां पे आप जाइए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं उनके पीडीएफ वहां अवेलेबल हैं। पीडीएफ के अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली क्विजेज हैं वहां पे, दैट इज टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हो, करंट अफेयर्स के हैं, जीके के हैं, इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं एक्सेट्रा, आप जाके विजिट कीजिए। करंट अफेयर्स के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं आने वाले टाइम में, अगर आपको वीकली मंथली मोड पे करंट अफेयर्स अवेलेबल चाहिए, यू नो, सो देयर इज अ लॉट ऑन द वेबसाइट, प्लीज विजिट कीजिए और जो भी सपोर्ट वहां अवेलेबल है आप उसको ले सकते हो। अ लॉट ऑफ अवेलेबल आई हैव यूज्ड एनीवेज। चलिए, सो लेक्स ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके थे इंडियन ज्योग्राफी की सेशन में, आज हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में हम देखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेने से पहले एक माइनर करेक्शन या एरर था प्रीवियस वीडियो में जहां हमने लेक्स ऑफ इंडिया पढ़े थे। जब हम उत्तराखंड की झीलें पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर किसी झील के आगे ताल लग रहा है तो 90-95% वो उत्तराखंड की ही झील होगी, लेकिन एक्सेप्शंस भी होंगे ये भी मैंने आपको कहा था। लेकिन एक चीज बस वहां रह गई, सूरज ताल जो मैंने आपको उत्तराखंड में बताई वो उत्तराखंड में ना होकर ये एक्सेप्शन ही है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सो सूरज ताल, ऑल्दो इसके बाद ताल लग रहा है पर ये उत्तराखंड की झील नहीं है, कहाँ की है, सूरज ताल इज इन हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली में पड़ता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी गलती मत कर दीजिएगा, इसलिए आई एम मेंशनिंग राइट इन द बिगिनिंग, ओके, सॉरी फॉर द एरर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम झील है जो कि इंसान ने बनाई हो। ये 2018 का सवाल है यूपीपीसीएस का। ऑप्शंस क्या है, कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल या रेणुका, ये चार झीलें हैं, राइट। क्या होगा आंसर वो तो अभी अपन देखते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आप कोई भी एमसीक्यू किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ें तो ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आफ्टर फ्यू इयर्स कभी क्वेश्चन बने तो ऑप्शन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। सो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ स्टेट्स लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए होते तो भी आप पता कीजिएगा कि रेणुका झील हिमाचल में है या कौन सी झील कहाँ पे, अगर ऑप्शन में दी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। सो इसका आंसर इज कोडाईकनाल, कौन सी झील इनमें से आर्टिफिशियल है, कोडाईकनाल। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में नेचुरल है, नैनीताल नेचुरल है और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में नेचुरल झील है। सो कोडाईकनाल मैनमेड है, कहाँ की झील है, तमिलनाडु की झील है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोडाईकनाल नेचुरल है कैसे याद रखें, देखो कोडाई कोडाई और खुदाई मिलता जुलता शब्द है, कोडाई खुदाई, सो खुदाई करके ये झील बनाई गई है, ऐसे आप याद रख सकते हो, खुदाई कोडाई आर्टिफिशियल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी झील है जो कि पश्चिमी तट पर भारत के पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन झील में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, आपसे कोस्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। वैसे अगर आपको लेक का स्टेट पता हो तो आप कोस्ट का आइडिया वैसे भी लगा सकते हो, है ना। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, चिल्का झील कौन से स्टेट में पड़ती है, ओडिशा में, पढ़ चुके हैं ओडिशा, ओडिशा यानी पूर्वी तट हो गया, ईस्टर्न कोस्ट। अष्टमुडी कौन सा स्टेट है, केरला, कौन सी कोस्ट होनी चाहिए, केरला, वेस्टर्न कोस्ट, शायद आंसर मिल गया हमको। पुलिकट, पुलिकट कहाँ पड़ता है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है, यानी वापस से ईस्टर्न कोस्ट आ गया। कोलेरू आंध्र प्रदेश अगेन, ठीक है। सो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी जो कि केरला की झील है और केरला पड़ेगा हमारे पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट पे। वॉट इज कयाल, नेक्स्ट सवाल है, कयाल क्या है, क्या ये एक लोलैंड है यानी कि थोड़ा निचला हिस्सा, गंगा डेल्टा है, डेकन प्लेट्यू है या फिर लगून्स ऑफ केरला है, केरला के लेगून है या केरला के अनूप झील है, क्या है ये। अब हो सकता है यहाँ पे आप रुक जाओ और बोलो मैम आपने तो कयाल बताया था बैकवाटर्स होते हैं केरला के, है ना, यहाँ तो बैकवाटर्स का ऑप्शन ही नहीं है। तो जब आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आंसर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप नियरेस्ट पे पहुँचोगे। अब देखो लोलैंड तो होगा नहीं, पानी से रिलेटेड ही है, गंगा डेल्टा, गंगा मीठा पानी है यानी फ्रेश वाटर है, डेकन प्लेटू होगा नहीं, लगून,
लगून या अनूप झील क्या होता है? समुद्र का पानी थोड़ा अंदर कट जाता है मिट्टी पत्थर की वजह से या फिर कोरल रीफ्स की वजह से, उथला एक लेक जैसा बन जाता है जहाँ पे फ्रेश वाटर भी आके मिक्स होता है या तो नहीं भी होता, तो ये ब्रैकिश वाटर या सी वाटर ही है, ठीक है। और कयाल क्या होते हैं, मैंने आपको लेक्स में पढ़ाया था, ये बैक वाटर्स ऑफ केरला है, यानी समुद्र का पानी थोड़ा अंदर तक आ जाता है और कोस्ट के पैरेलल पैरेलल चलता है, यानी वो भी समुद्र का पानी है, लगून भी समुद्र का पानी है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए लगून्स ऑफ इंडिया या फिर केरला या फिर बैक वाटर्स ऑफ केरला, जिसे पाश्च जल भी बोलते हैं, ठीक है। सो जब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा हो तो हम नियरेस्ट पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको चार लेक्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ चार स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई बच्चे गलती करते हैं, ये ए बी सी डी इसके लिए है और ये ए बी सी डी आपके चार ऑप्शन है जिनमें से आपको आंसर पिक करना है, ठीक है। सो पहली लेक जो आपको दी हुई है वो है अष्टमुड़ी। आपको देखना है यहाँ पे कौन सा स्टेट है। अष्टमुड़ी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, कहाँ की झील है ये अष्टमुड़ी? केरला की। तो देखिए ए का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए टू से, ठीक है। सो ए के आगे टू कहाँ है? वेरी गुड, सिर्फ एक में ही है टू। तो वैसे तो आप चाहो तो यहीं से आंसर मार्क कर सकते हो बी, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है ये टू दो तीन जगह लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। सो बाकी के ऑप्शंस भी हम देखेंगे। पुलिकट, पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर। तो इसमें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु दोनों में से कोई एक स्टेट भी लिखा हुआ हो तो आपको पिक करना है। तो देखिए इसी के हिसाब से क्रॉस चेक करते हैं, क्या पुलिकट तमिलनाडु? थ्री सही है पुलिकट। ये भी हमने देख लिया, अष्टमुड़ी केरला था, तमिलनाडु पुलिकट मैच हो गए, रूपकुंड। अब मैं एडिशनल पढ़ा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कभी सूरज कुंड पे सवाल बन जाए, कभी रूपकुंड पे सवाल बन जाए, तो एक बार पढ़ेंगे तो हम जरूर, हालांकि हम आंसर तक पहुँच चुके हैं, है ना। आंसर क्या है चलो देख ही लेते हैं, आंसर इज बी, राइट। अब रूपकुंड, रूपकुंड हमने पढ़ा था क्या था, ये स्केलेटन लेक है, ये कंकाल झील है, कहाँ की है जल्दी से बताओ? उत्तराखंड की है, ठीक है। सो रूपकुंड आ जाएगा फोर पे, तो ये देखो फोर यहाँ पे भी आ गया, टू थ्री फोर। और सूरज कुंड, नाउ इम्पॉर्टेंट, सूरज ताल है हिमाचल प्रदेश में, सूरज कुंड है हरियाणा में, याद रहेगा सूरज ताल, ताल ताल ऊपर के साइड में होगी या तो उत्तराखंड होगी, उत्तराखंड में सूरज ताल नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, और सूरज कुंड जो है वो कहाँ है? हरियाणा में है। सो द राइट आंसर इज बी विद द ऑप्शन 2, 3, 4, 1, ओके। नेक्स्ट फुलहर झील, फुलहर झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फुलहर झील कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। तो फुलहर उत्तराखंड में तो हमने कहीं नहीं पढ़ी थी, बाकी देख लेते हैं कहाँ है। आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, फुलहर इज इन उत्तर प्रदेश। ये कुछ एक ऐसी झीलें होंगी जो बहुत प्रोमिनेंटली हमने उस चैप्टर में नहीं पढ़ी पर क्वेश्चन में आ गई तो हम कवर कर रहे हैं ताकि हर लिहाज से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब याद करते हैं इसको, फुलहर, देखो फुलहर को फूलों का हार, फूल हार से याद रख सकते हैं फुलहर। यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी अप, तो फूल का हार किसी को पहनाना होगा तो हाथ अप करके पहनाते हैं, फूल हार अप करके पहनाना पड़ता है, तो इससे आप रिलेशन याद रख सकते हो, फुल हार अप से यूपी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिस्ट्री लेक या रहस्यमयी झील ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी झील को मिस्ट्री लेक ऑफ इंडिया, रहस्यमयी झील ऑफ इंडिया कहा जाता है? पढ़ चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। रूपकुंड, फुलहर, पोखरी या ये रूपकुंड दो बार कैसे लिख दिया हमने, कुछ तो भी गड़बड़ की है। चलिए इसको सूरजकुंड मान लीजिए, है ना, इसको सूरजकुंड मान लीजिए, मैंने ये ऑप्शन दो बार लिख दिया, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी। कौन सी झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? आंसर इज स्केलेटन झील या फिर कंकाल झील, उसी को रहस्यमय झील कहा जाता है। रूपकुंड इज द आंसर, ओके। तो यहाँ हमने गलत ऑप्शन लिख दिया था, ए पे तो था ही, यहाँ कुछ और होगा। कुल मिला के आंसर क्या है? रूपकुंड झील है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देख लेंगे हम इसको पीडीएफ में देते टाइम करेक्ट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून? इनमें से कौन सा एक लगून नहीं है, ठीक है, नॉट एंड इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में। चलिए अष्टमुड़ी, चिलिका, पेरियार, पुलिकट, ये चार में से कौन सा लेगून नहीं है? जो भी झील कोस्ट के पास होगी ना उसके खारा पानी झील होने के, लगून होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए अष्टमुड़ी केरला में थी, ये एक लगून है, चिलिका ओडिशा में लगून है, इंडिया का सबसे बड़ा लगून यही है, ठीक है। पेरियार, पेरियार अगर आपने सुना हो, पेरियार नदी है केरला की सबसे बड़ी नदी, है ना, लंबी, सबसे लंबी नदी। सो पेरियार नदी है तो पेरियार लेक भी कहीं ना कहीं शायद फ्रेश वाटर हो, लगून ना हो, खारा पानी ना हो। पुलिकट
अगेन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये भी लगून है. आंसर इज पेरियार लेक. ओके, पेरियार लेक जो है एक्चुअली पेरियार रिवर, ये भी मैं बता दूंगी, पेरियार लेक भी एक रिजर्वॉयर है जो पानी इकट्ठा हुआ बांध बनाने के बाद उसको लेक नाम दिया गया. और ये फ्रेश वाटर लेक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एक तो ये आर्टिफिशियल है क्योंकि रिजर्वॉयर है और ये फ्रेश वाटर है. किसका रिजर्वॉयर है, कौन सी दो नदियां? मुल्लपेरियार डैम का जो रिजर्वॉयर है उसको पेरियार लेक भी कहा जाता है. और ये जो डैम बना मुल्लपेरियार डैम, ये कौन सी दो नदियों के संगम पे बना है? पेरियार और मुलयार नदियों के. तो मुल्लपेरियार डैम का रिजर्वॉयर कहलाता है पेरियार लेक, और ये फ्रेश वाटर है और आर्टिफिशियल है. ठीक है, कहाँ है? केरला के अंदर है. ओके, नेक्स्ट, छापनाला लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छापनाला लेक कौन से स्टेट के अंदर है? उत्तराखंड, हरियाणा, असम या सिक्किम? एंड द आंसर इज असम. ओके, छापनाला इज इन असम. अब छाप तिलक सब छीनी मोत से नैना मिलाए के, कभी सुना है वो सूफी गाना? छाप तिलक सब छीनी रे मोत से नैना मिला के. सो सूफी सॉन्ग जो भी होते हैं ना, ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके गाए जाते हैं, अल्लाह को, भगवान को, या जो भी ऊपर पावर है उसको देखते हुए, है ना, सूफी. सो छाप से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, छाप तिलक जब भी आप गाना गाते हो आप आसमान में देखते हो. सो छापनाला इज इन असम. नेक्स्ट, फेमस चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी तक तो एकदम सेट हो गया होगा दिमाग में, चिलिका कौन से स्टेट में है? राजस्थान, उड़ीसा. उड़ीसा इसलिए लिखा है क्योंकि 2002 उस टाइम उड़ीसा ही बोला जाता था, ओडिशा अब हम बोलते हैं. कर्नाटका या वेस्ट बंगाल? आंसर इज ओडिशा या ओडिशा. चलिए नेक्स्ट, नगीन लेक या नागिन लेक, नागिन झील कौन से स्टेट में है? पढ़ चुके हैं, याद कीजिए तब तक. जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड? नाग वाली जो झीलें होंगी कौन से स्टेट में बताई थी मैंने? जम्मू एंड कश्मीर बताई थी. आंसर भी वही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? सही मैच आपको बताना है. चार मैचेस दिए हुए हैं. इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि अधिकतर गड़बड़ दिया हुआ है. एक चीज सही है, आपको सही वाली पकड़नी है. अगर आपको पता ही नहीं होगा इन्फॉर्मेशन तो आप नहीं पकड़ पाओगे गलत सही. चलिए, लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, दीदाणा हरियाणा या कोलेरू उड़ीसा? सो देखिए, लोकटक सही मैच पता करना है. लोकटक मणिपुर हमने पढ़ा है, लोकटक मणिपुर पढ़ा था. लोकटक झील सबसे बड़ी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. वेरी गुड, पढ़ा था. लोग टोकते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट वालों को, ऐसे करके याद किया था. सो लोकटक मणिपुर हमें पता है, सही है. तो हम आंसर तो पहुंच गए. एक बार और देख लेते हैं, उदय सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, उदय सागर उदयपुर में है, राजस्थान में. डीडाणा, कोलेरू भी हमें पता है, कोलेरू कहाँ की है? आंध्रा की है. ठीक है, सो लोकटक झील जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बिटवीन टू स्टेट्स? दो स्टेट्स के बीच में इनमें से कौन सी लेक शेयर की जाती है? 2008 का UPPCS मेंस का एग्जाम में पूछा गया सवाल है, चिलिका, कोलेरू, लोनार या पुलिकट? बहुत बार पढ़ चुके हैं, चिलिका तो ओडिशा की है, कोलेरू आंध्र प्रदेश की है, शेयर तो नहीं होती है. लोनार कहाँ की है, जल्दी बताओ, छोड़ दूँ, कमेंट्स में बताओगे? वेरी गुड, चलिए बताइएगा लोनार कहाँ की है. वैसे तो पढ़ा दिया है, क्या कमेंट्स में बताओगे? महाराष्ट्र की है. क्या है इस झील की खासियत? क्रेटर लेक थी, जब बाहर से कोई तारा या फिर सम एस्ट्रॉइड धरती पर टकराया था तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, याद है वो चीज़? ठीक है. पुलिकट दो स्टेट्स के बीच में शेयर होती है, कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. ऑल राइट, और ये कोरोमंडल कोस्ट, वो कोस्ट का आइडिया दिया था जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया करवाया था, कोस्ट का आइडिया रखिएगा कौन सी कोस्ट को क्या कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोरोमंडल कोस्ट पे इनमें से कौन सी लेक पड़ती है, और चार आपको अलग से ऑप्शन दे दिए जाएं. ठीक है, सो कोरोमंडल कोस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? अब तक तो पता होगा, पढ़ चुके हैं, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सी इनमें से झीलों को या जगहों को, नॉट झीलों को, सॉरी, कौन सी जगह को कहा जाता है? नैनीताल, सिक्किम, शिमला या माथेरान? माथेरान महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे के पास में. नैनीताल इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, ताल ही ताल हैं, तो इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? वेम्बनाड केरला, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बॉर्डर. वेम्बनाड झील केरला, पढ़ चुके हैं, सही है. सबसे लंबी लेक इंडिया की जो है वो है वेम्बनाड, सही है, बिल्कुल सही है, राइट.
और लोकटक अभी अभी पढ़ा है, ये तो कहाँ है, मणिपुर में है, तो मेघालय में तो नहीं है, तो हमें आंसर पता पड़ गया। डल लेक कश्मीर में पता है, पुलिकट हमें पता है, सो आंसर इज बी लोकटक मेघालय। दिस इज रॉन्ग, है ना, इसलिए हमने ये पिक किया क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, बताइएगा सही मैच। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरला, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है वो हमें बताना है। लोनार मध्य प्रदेश में है, नहीं महाराष्ट्र में है। नक्की झील गुजरात में है, नहीं राजस्थान में है, माउंट आबू में, राजस्थान की सबसे ऊंची मैनमेड झील। आई एम सो सॉरी, वेट अ मिनट, ओके दिस हैपेंस बिकॉज देर आर टू विंडोज इन माय सिस्टम एंड विंडोज 8 इज नॉट अ लाइसेंस्ड वन, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। ओके एक्सक्यूज मी फॉर दैट। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट केरला नहीं, ये भी पुलिकट केरला, अभी अभी पढ़ा था। पुलिकट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर। सो राइट आंसर कौन सा दिख रहा है इसमें से, कोलेरू आंध्र प्रदेश, दिस इज दी राइट आंसर। और हमें यही देखना था कि करेक्ट मैच कौन सा है, सो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी ऑप्शन सी। वाई इज इट नॉट वर्किंग, वेट, ओके आंसर सी विच इज आंध्र प्रदेश। ओके मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज फाउंड इन असम, असम में इनमें से कौन सी झील पाई जाती है, हमीरसर, कोलेरू, साला या छापनाला, बताइए। एक आपको बाकी नहीं भी पता हो तो भी, अभी अभी हमने छापनाला लेक के बारे में पढ़ा था, छाप तिलक सॉन्ग हम आसमान की तरफ देख के गाते हैं, तो हमें आंसर तो मिल गया डी है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं लेक्स कहाँ पड़ती हैं। हमीरसर लेक गुजरात में है, ठीक है हमीरसर। अब देखो इसमें सर आ रहा है, गुजरात की शेप भी शेर के सर जैसी है, ठीक है, तो हमीरसर आप ऐसे याद रख सकते हो, गुजरात में है। कोलेरू हमें पता ही है, साला लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, साला लेक। ओके सो अरुणाचल को हमने माँ के आंचल से किया था, माँ साला मतलब माँ का, अब साला बोलते हैं ना कैसे, बीवी के भाई को बोलते हैं साला, छोड़ो ये अच्छा लिंक नहीं है, लेट इट बी। सो साला लेक इज अरुणाचल प्रदेश, लेट इट बी। ओके अरुण के साला, अरुण का साला याद रख सकते हो आप, कोई भी अरुण हो सकता है, आप में से भी कोई एक हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया, मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लगून इन इंडिया इज, सबसे बड़ा अनूप लेक या फिर लगून इंडिया का कौन सा है, बहुत बार कर लिया है, वेमनाड है, नो, पुलिकट है, नो, चिलिका है, नो, यस, कोलेरू है, नो, आंसर इज चिलिका लगून। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लेक इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सी झील है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है या है, फुलहार, कोलेरू, अंचार या हमीरसर। अब इन सारी झीलों के बारे में आपको, अब आते आते आपको सारी झीलें टिप्स पे हो गई होंगी। फुलहार कहाँ पे पड़ी थी हमने, फूल का हार अप करके चढ़ाते हैं तो यूपी में है। कोलेरू रट चुका होगा अभी तक, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अंचार रुक जाओ नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमीरसर सर गुजरात। तो अगर आप रॉन्ग ऑप्शन हटा दो तो भी राइट आंसर पे पहुंच गए, नहीं तो जब लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था तो JNK में अंचार, आप जम्मू एंड कश्मीर घूमने जा रहे हो ट्रेन में बैठ के अचार खा रहे हो, याद कराया था, सो द राइट आंसर इज अंचार लेक। ओके कभी अगर राइट आंसर डायरेक्टली नहीं पता हो तो रॉन्ग हटाते जाओ तो भी राइट पे पहुंच जाते हैं। वेयर इज स्नो कवर्ड लेक घेपन लोकेटेड, बर्फ से ढकी हुई घेपन झील कहाँ पर लोकेटेड है, ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू एंड कश्मीर, सारे ही नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है। और घेपन लेक बहुत पॉपुलर लेक भी नहीं है, 2016 का UPPCS मेंस का सवाल है ये, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में या जम्मू एंड कश्मीर में, आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है हिमाचल प्रदेश में। और इसके लिए ऐसा कोई टिक टेक्निक नहीं है, अलग से याद रखो स्नो कवर्ड होती है घेपन लेक और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। एंड विद दिस वी आर डन विद ऑल इम्पॉर्टेंट, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हमने देखे, 2002 के सवाल भी उठाए हैं तो 2018 के भी उठाए हैं, वो सारे हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई एम श्योर अब ये चैप्टर आपको थरर हो चुका होगा, राइट एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आप बोलते रहते हैं मैम कहाँ आपको और फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, राइट परचम का भी है, मेरा पर्सनल भी है, सो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं बहुत नए इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय।